हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ रिएक्शंस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं कार्बन कंपाउंड्स की। जैसे एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, क्या ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। इथानोइक एसिड हमारे सिलेबस में है कि उसकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। ठीक है, सारी चीजों को समझते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंबर्शन। अच्छा, कंबर्शन का मतलब क्या होता है? कंबर्शन मींस जलना। ठीक है, कंबर्शन मतलब किसी चीज का बर्न होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है कोई चीज बर्न हो सकती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चीज बर्न नहीं होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हम करते थे, दैट वाज के एक कैंडल बर्न की, उसके ऊपर एक ग्लास जार रख दिया, कैंडल बर्न बंद हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, बट जब भी हम उसको रिमूव कर देते हैं और दोबारा बर्न करते हैं तो वो बर्न होती रहती है। इट मींस ऑक्सीजन इज कंपल्सरी सब्सटेंस। ऑक्सीजन एक जरूरत बन गया ना कंबर्शन के लिए, ठीक है, जलने के लिए। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबर्शन। सो बेसिकली कंबर्शन का मतलब क्या है? O2 की प्रेजेंस, है ना, O2 की प्रेजेंस होना। अब ऐसे कोई भी इक्वेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। फर्स्ट बुक में यही है आपके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। सो दिस बिकम्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एडिशन रिएक्शन आल्सो। दो रिएक्टेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, दीज आर रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स R1 प्लस R2 रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन आल्सो। एंड कंबर्शन रिएक्शन कैसे है? क्योंकि ऑक्सीजन प्लस कर रहे हैं, किसी भी चीज में ऑक्सीजन प्लस करेंगे दैट विल बिकम कंबर्शन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी, नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4 प्लस O2। अच्छा, कौन बताएगा CH4? ध्यान से सोच के देखो, CH4 इज मिथेन, एक कार्बन मेथ, और सारे सिंगल बॉन्ड्स मिथेन है। ठीक है, सो दिस इज गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर से कंबर्शन रिएक्शन कैसे हुआ। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऐड क्या किया है? ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। CH3CH2OH ये क्या बना? पहले वीडियोस में कर चुके हैं, ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, देख लो पुरानी वीडियो, रिवीजन कर लो, ये चीजें इजी लगने लगेंगी। ठीक है, कितने कार्बन्स हैं? 1, 2 कार्बन्स, मेथ एथ, साथ में OH लगा है, सो दिस इज इथेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया? इथेनॉल। इथेनॉल में मैंने प्लस किया एज यूजुअल ऑक्सीजन, क्योंकि मैं कंबर्शन रिएक्शंस कर रहा हूं, ऑक्सीजन ऐड किया, सो मेरे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
चेक कर लो सब में कॉमन क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट करवाना है। कंवर्जन वर्ड का मतलब है ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। एक और इक्वेशन इससे पहले लिखी थी, वो थी सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस है जिस रिएक्शंस में, दैट रिएक्शंस आर नोन एज कंबर्जन रिएक्शंस, दीज आर आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आपकी बुक में सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, दैट आर एडिशन रिएक्शंस, देख रहे हो आप बोर्ड पे एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, यहां पे दो कार्बन थे, ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मेथ एथ इथीन है ना, साथ में ये क्या लगे हैं, एल्काइल, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब जितने भी आर है ना मेरे पास, इनका मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब है कार्बन चेन ऐड करना, ठीक है, कार्बन चेन्स ऐड हुई हुई है। अच्छा इसमें एडिशन क्यों लिखा गया है, इसमें हमने ऐड करना है H2 हाइड्रोजन और साथ में निकल एज अ कैटलिस्ट, सो एडिशन हो गई किस चीज की, निकल और हाइड्रोजन की। तो बना क्या मेरे पास, दो एल्काइल ग्रुप्स लग गए साइड वाइज, एक एल्काइल ग्रुप इधर फर्स्ट कार्बन पे, एक एल्काइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे। बट मेन चीज जो नोट करने वाली है, ये देखना, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वालों को क्या कह रहे हैं हम, देखो जो कंपाउंड, जो दो कार्बन्स में डबल बॉन्ड हो, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, ट्रिपल को भी हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। और जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अच्छा तो मैंने इसका मतलब किया क्या, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से मैंने क्या किया, कन्वर्ट सैचुरेटेड कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट निकल, निकल एक्ट एज कैटलिस्ट और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। और अनसैचुरेटेड होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं सैचुरेटेड। पेपर में अगर आए कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करो, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्यों, कैसे होता है सब्स्टिट्यूट, जैसे मैं खेल रहा हूं, ठीक है, मैं इंजर्ड हो गया तो मैं फील्ड के बाहर चला गया, कोई और प्लेयर मेरी जगह पे आके खेलने लगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन ना, ठीक है। तो इसी तरह ही मेरे पास एक कार्बन और उसके आसपास ये देखो चार हाइड्रोजन लगे थे, चार हाइड्रोजन लगे थे है ना। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से कि एक हाइड्रोजन खत्म होके मेरे पास क्लोरीन लग गया, एक हाइड्रोजन खत्म होके क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, क्लोरीन ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो पर ये स्पेसिफिक जो मैंने लिखा है ना रिएक्शन, इसकी एक कंडीशन भी है,
मिथेन प्लस क्लोरीन गैस Cl2 हो तो इट मींस इट इज इन गैशियस फॉर्म, ठीक है। अच्छा CH3Cl बन गया, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी बन गया, ठीक है। बट ये इसकी कंडीशन है दैट इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया हमारा, आई होप ये क्लियर होगा सबको, बहुत इजी था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इथानॉल, इथानॉल के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। इथानॉल पहले तो अकॉर्ड प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग मुझे इथानॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथ, एथ मींस कितने कार्बन, दो कार्बन। ए मींस दोनों में सिंगल बॉन्ड है। ऑल मींस साथ में कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है, एल्कोहल OH, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दे, इसके साथ कितने हैं, एक तीन हाइड्रोजन और आगे, ठीक है। एक दो, दो हाइड्रोजन चाहिए, सो ये बन गया CH2, ये मेरे पास आ गया इथानॉल। अब मेरे सिलेबस में है साथ में कि इसकी प्रॉपर्टीज भी करनी है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी करनी है। तो इथानॉल जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं शराब, ठीक है ना, शराब बोल देते हैं ना, विस्की वगैरह ये जो सारी होती हैं, ये सारी क्या है, इथानॉल है। होम्योपैथिक मेडिसिन का बेस क्या होता है, लिखा होता है ना अल्कोहल, तो वो क्या है, इथानॉल, ठीक है। अच्छा इसका जो मैं फर्स्ट पॉइंट बताने लगा हूं, इसका जो टेस्ट है दैट इज बर्निंग टेस्ट। अगर आप सीधा इसको इसमें तभी पानी मिलाते हैं, ठीक है ना, तभी पानी आइस क्यूब्स मिलाते हैं ताकि इसका बर्निंग इफेक्ट कम हो जाए, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी है इथेनॉल की इट इज अ इट कॉजेस बर्निंग इफेक्ट ऑन टेस्ट। जब टेस्ट करोगे तो बर्निंग इफेक्ट होगा टंग पे। सेकेंड, ठीक है, ये क्लियरलेस, क्लियर क्लियर लिक्विड है। इथेनॉल क्या है, क्लियर है, क्लियर एंड कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा नेल पेंट रिमूवर्स आते हैं, नेल पेंट को मिटाने के लिए, उसमें भी इथानॉल यूज होता है। सैनिटाइजर्स आते हैं, उसमें भी इथानॉल यूज होता है, ठीक है। परमानेंट मार्कर अगर व्हाइट बोर्ड पे लिख दें तो किससे रिमूव करेंगे, इथानॉल से रिमूव करेंगे। सो आई थिंक बहुत सारी एप्लीकेशंस बता दी मैंने आपको, ठीक है। चल नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इसका, वैसे तो इसकी प्रॉपर्टीज में ना एक बहुत अजीब सी बात है लिखी होती है कि प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल, बट आप जो भी बंदा ड्रिंक करता है उसके पास जाओगे तो आपको स्मेल थोड़ी गंदी आती है ना, बट हमारी केमिस्ट्री में उसे हम कौन सी स्मेल कह रहे हैं, प्लेजेंट स्मेल कह रहे हैं, ठीक है, क्वाइट ऑड ना। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये क्या है, इस मतलब इसका हाईली फ्लेमेबल, आग लग जाती है इसे, हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। इसको जब भी किसी चीज में डालते हैं आग लग जाती है, अगर हम जमीन पे डाल देंगे तो जिस जहां जहां पे ये इथानॉल गिरेगा वहां वहां पे आग लग जाएगी, अगर हम मैचस्टिक से बाद में आग लगाते हैं किसी भी फायर, मतलब फायर लगाते हैं तो, ठीक है। सो इट इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। और ये फिफ्थ, इट इज ये डिसॉल्व हो जाता है इन ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड, ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा मेनली ये बात करें, अगर मैं इसको बात करूं
सी अगर ये मैंने लिखा ना एवरी लिक्विड जनरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक एंड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अगर स्पेसिफिक करना हो ऑर्गेनिक एंड वाटर में, ठीक है जी।